से जो हमारे सब्सक्राइबर्स के लड़ने का कारण था उसके बारे में मुझे कुछ करना था। तो काफी जांच के बाद हमने पेट्रोल कंपनी से पेट्रोल की कीमत कम करने की बात की। हमने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो रेट कम करने के लिए नहीं माने। कोई बात नहीं, एक साधारण 22 साल का यूट्यूबर शायद पेट्रोल की कीमत के बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक काम जरूर कर सकता है। तो अब प्लान बी का वक्त आ गया है, तो हम एक पेट्रोल पंप खोलेंगे बिल्कुल मुफ्त, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। तो हमने एक पेट्रोल पंप सिलेक्ट किया जो यहाँ के अगल बगल के सारी जगहों को कनेक्ट करता है। यहीं पर हम अपने सब्सक्राइबर से मिले थे। उस पेट्रोल पंप पे काम करने वालों से चर्चा और कुछ फोन कॉल के बाद हमें पेट्रोल पंप में एक्सेस मिला। ये वीडियो काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इस प्लान को हमें ऐसे ही एग्जीक्यूट करना है बिना कोई गलती या कोई समझौता किए बगैर। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे सब्सक्राइबर्स रहते कहाँ हैं जिनके लिए हम ये बंक खोल रहे हैं। लेकिन हमें आशा है कि हमारी व्यवस्था हमें उनके नजदीक पहुंचा देगा। सिर्फ हर एक घंटे में सैकड़ों लीटर पेट्रोल पंप हो रहा है। कुछ लोग बहुत खुश हुए। कैसा लगता है? मैं बहुत खुश हूँ, बाइक पर खुशी से घूमूंगा। और कुछ लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था। लोगों की संख्या ध्यान में रखते हुए हमें जल्दी ग्राहक क्लियर करने थे, इसलिए हमने 1 लीटर से लेकर फुल टैंक तक पेट्रोल डालने लगे। काफी लोग इस हिस्टोरिक मोमेंट को अपने स्टेटस पर पोस्ट कर रहे हैं। इसकी खबर अगल बगल के सारे जगहों पर फैल रही थी ताकि इसकी खबर हमारे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं। आप सब खुश हैं? Yes! और दूसरी ओर पूछताछ भी जोरों शोर से हो रही है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जैसे वक्त बीत रहा है भीड़ भी ज्यादा बढ़ रही है। लोग इतने ज्यादा जमा हुए हैं कि हमारी सिक्योरिटी टीम उन्हें संभाल नहीं पा रही है और कैमरा टीम से कैमरा संभाले नहीं जा रहे थे। धीरे धीरे हम परिस्थिति का नियंत्रण खो रहे हैं। हमें कोई उपाय की सख्त जरूरत है। तो अब हम इस बंक को अलग तरीके से संचालित करेंगे। 1 घंटा चलाकर फिर 1 घंटा बंद करेंगे। इधर बहुत रश है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। और एक जगह भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए, तो हमें फुल टैंक बंद करना होगा और भीड़ कम होने पर फुल टैंक फिर से शुरू कर सकते हैं। तो ये प्लान शुरू कर दो। सभी दबाव महसूस कर रहे हैं, तो दोनों सब्सक्राइबर के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये योजना बिल्कुल सही या एकदम खराब है। लेकिन किस्मत से हमें दोनों सब्सक्राइबर्स में से एक का नंबर मिला। तो इस खुशी भरे पल के अवसर पर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक गेम जोन अनलॉक हुआ है। शर्त एक ही है कि वो हमारे चैनल के सच्चे सब्सक्राइबर हों। सच्चे सब्सक्राइबर का मतलब वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारे कम से कम 10 वीडियोस को पूरी तरह देखा होना चाहिए। इसका संकेत ये रेड बार्स हैं। YouTube पर वीडियोस देखते समय हमें ये रेड बार्स दिखते हैं। तो हमारे सब्सक्राइबरों में से जिनके पास 10 वीडियो के पूरे रेड बार्स होंगे उन्हें व्हील स्पिन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए हमारे पहले 2 सब्सक्राइबर को व्हील स्पिन करने के लिए बुलाते हैं। ये क्या शॉट्स या स्टाइल है? अच्छा, आपने घर से आ रहे हैं? ओके, फर्स्ट स्पिन। मैं बहुत एक्साइटेड। कहते हैं कि हर इंसान एक काम करने के लिए पैदा होता है, क्या आपने ये सुना है? आप इस व्हील घुमाने के लिए पैदा हुए हैं। देखते हैं ये क्या जीतेंगे। लेट्स सी, देखते हैं वो क्या जीतते हैं। चलिए, तो अगर इन्हें स्पिन द व्हील में तोहफा मिलता है उन्हें इस जार से स्लिप उठाने का मौका मिलेगा। देखते हैं वो क्या है। ओके, अच्छा यहाँ पर कुछ गुप्त बक्से भी हैं। इन बक्सों में कुछ भी हो सकता है। घर जाके गिफ्ट खोलिए। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। नेक्स्ट, रेडी? तो एक एक करके सारे टेंस होकर खेल रहे हैं। अच्छा तुम क्या करते हो? 10th क्लास। अच्छा वहाँ देख कर बोलो, बार बार हाथ धोइए। इस संदेश को वो समाज को देना चाहते हैं। ओके, और कुछ भी नहीं। चलो व्हील घुमाओ। दूसरी ओर भीड़ उन्हें जीतने के लिए बढ़ावा दे रही है। बनाना बनाना। और उनका यहाँ खड़े रहने का कारण है, हम उन्हें एंजल्स कहते हैं। सही वक्त पर आपको पता चल जाएगा। एंजल किस अनलॉक। वाओ, ये जीतने वालों को एक एंजल चुनने का मौका मिलेगा। अच्छा अब आप किस करेंगे? इस नौजवान को किसकी जरूरत है? और अब आया ये ट्विस्ट। जरा जाकर एंजल को लेकर आइए। जैसे ही मैंने एंजल को लाने को कहा सारे लोग एंजल को देखने के लिए उत्सुक हुए, लेकिन सिक्योरिटी अंकल वहाँ के एंजल हैं। इस लड़के को जो आश्चर्य होने वाला है वो उसने सोचा ही नहीं होगा। बापरे, ये हमारे एंजल हैं। मुझे जुम्मा चाहिए क्या? वाह क्या बात है, एंजल किस इसके जीवन में कुछ और सौभाग्य लाने वाले हैं। और ओ खुश हो गए। उसके भाव देखकर पता चल रहा है कि उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। जितना चाहे ले सकते हो। तो जैसे एक तरफ गेम चल रहा है दूसरी तरफ पेट्रोल पंप हो रहा है। जाने बिना हमने पूरा बाजार जब्त कर लिया। ऑटोस के लिए पूरा टैंक भर दो। इस दौरान हमारे सब्सक्राइबर गेम खेलने के लिए रेड बार दिखाकर बता रहे हैं कि उन्होंने हमारे वीडियोस देखे हैं। तो हमारे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का लेवल आज से पहले इतिहास में कभी भी इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा। एक एक करके हमारे सारे सब्सक्राइबर्स गिफ्ट जीत रहे हैं और फिर वो 2 लोग जिनके लिए हमने पेट्रोल बंक खोला हमारे पास आए। उस दिन उनसे बात करते समय वो बहुत भावुक हुए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके लिए हम एक फ्री पेट्रोल बंक खोल दें। और हमने कर दिया। उन्हें वहाँ पर जो हो रहा था उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें व्हील स्पिन करने का मौका दिया। मैं चाहता हूँ कि आप जीतें। आप क्या करते हैं? बिहारी मजदूरी। अच्छा बिहारी मजदूरी। तो आप क्या जीतना चाहते हैं? गिफ्ट, गिफ्ट? अच्छा
वहाँ दूसरे सब्सक्राइबर्स भी चाहते हैं कि वो तोहफा जीते। सारे जानते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स में कितनी शक्ति है, जो होता है उनकी इच्छा से होता है। वहाँ दोनों जो चाहते हैं वो स्पिन द व्हील में जीत गए। अगले 18 घंटों में एक असली सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है और वो मैं वीडियो के अंत में बताता हूँ। और दूसरी ओर बंक फिर से ओवरफ्लो होने लगा। अचानक हमारे ग्राहकों ने एक मांग की, आप डालिए जी अपने पकड़ में बस। हाँ, आप पेट्रोल डालो जी। हाँ? ओके। और जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स ने चाहा, मैं भी कस्टमर्स को पेट्रोल देने लगा। अच्छा, तो इसे कैसे ऑपरेट करते हैं? सिंपल है भाई। जैसे हमारे कस्टमर्स ने कहा, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है। ठीक है, फुल टैंक कर दो। हमारे लोकेशन को शेयर ना करने के बावजूद हमारे बैनर्स काफी लोगों को हमारे लोकेशन तक पहुंचाने में सफल हुए और फिर पारिवारिक दर्शक जमा होने लगे। अच्छा, तो आपने सारे वीडियोस देखे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? तो एक एक करके वो सारी व्हील को स्पिन करने लगे। वो इतने खुश थे कि उनके अपने पैरों में चप्पल ना होने की परवाह उन्हें नहीं थी। एक तरफ पेट्रोल भरे जाने के पैसे जमा हो रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे महिला सब्सक्राइबर्स सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। अच्छा, तो आपको गिफ्ट चाहिए? जी हाँ, ये लीजिए, आपने जो चाहा वो जीत गए। अच्छा, उसे साइकिल चाहिए? हाँ। ठीक है, ये लो, आप खुश हो ना? जिन लोगों ने तोहफे जीते वो खुश थे और जिन्होंने केले जीते वो भी खुश। बनाने से मिला और जिनको किसेस मिले वो ज्यादा खुश हुए। धीरे से दीजिए। ओए लिपस्टिक, घर वालों ने पूछा तो क्या बताएंगे? कोई इन भाग्यवान लोगों से इनका सौभाग्य नहीं छीन सकते। आखिर में उन्होंने कहा कि उनकी सख्त मूछ चुभ रही है और हमें बिल्कुल नहीं पता चला कि बच्चों से लेकर बड़ों तक स्पिन द व्हील में पैसे जीतने पर हमें कोई दिक्कत होगी। हमारे पेट्रोल पंप की लोकप्रियता बढ़ने लगी और अगल बगल के गाँव से लोग वहाँ पर आकर हमारी प्रशंसा करने लगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रुको, ऐसा मत कीजिए। सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसने ऐसे बहुत सच काम किए हैं, कई परिवारों की बहुत मदद। सारे वहाँ पर आए हुए लोग कह रहे थे कि ये सबसे बढ़िया बंक है और उसके साथ उन्हें व्हील स्पिन करने का मौका मिला। अच्छा, पैसा चाहिए? क्या खरीदोगे? एक्वेरियम। एक्वेरियम? और वो कितना बड़ा होगा? घुमाओ। ओके। वक्त के साथ गेम जोन में भीड़ बढ़ने लगी। कैमरा में अच्छा व्यू नहीं मिल रहा था और भीड़ का नियंत्रण मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने लक्ष्य प्राप्त किया जो हम चाहते थे। पेट्रोल बंक एक सनसनी खबर बन गई और नजदीक के जिलों से लोग वहां पर आकर पेट्रोल भरने लगे और पेट्रोल भरने आए हुए लोग पैसे जीतकर उन्हें गिनने में लग गए। तो हमने हमारे वीआईपी कस्टमर को बिना व्हील स्पिन के गिफ्ट जीतने का मौका दिया। एक एक करके लोग आने लगे और पैसे और तोहफे जीतने लगे। हमारे पेट्रोल पंप की वजह से वहाँ दुनिया बदल गई। आम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। ग्राहक कतार में खड़े होकर व्हील स्पिन कर रहे थे। अब केले और किसेस का अंत हो चुका था और व्हील स्पिन करके लोग पैसे जीतने लगे और अनजाने में भीड़ नियंत्रण खोकर मनी टेंट पर गिरने लगे। तो सब्सक्राइबर्स की सुरक्षा के लिए हमें टेंट बंद करना पड़ा। फिर हमारे सबसे चहेते सब्सक्राइबर को दूसरा मौका मिला, क्योंकि वो हमारे सबसे चहेते सब्सक्राइबर है ना, और वो बहुत खुश भी हुए। लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि उनके लिए एक और सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ महिला कस्टमर्स की तादाद दुनिया में किसी और जगह से ज्यादा थी। हमारे सिक्योरिटी टीम से भीड़ संभाला नहीं जा रहा था, तो हम एक ग्रुप बांध सकते थे। हमारा पेट्रोल बंक एक काफी बड़ा हिट हुआ। अब सिर्फ 4 गिफ्ट बचे हैं, लेकिन कस्टमर की सुरक्षा के लिए हमें बंक बंद करना पड़ा। सभी अपने तोहफे घर ले गए और हमारा प्लान सफलता से पूरा हुआ। ये दिन उनके और मेरे जीवन का उत्कृष्ट दिन था, लेकिन उस रात मैं चैन से सो नहीं पा रहा था। पेट्रोल की कीमत अब रोज की तरह हो गई। हम अपने सब्सक्राइबर्स कैसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो अगले दिन हमने उन्हें इलेक्ट्रिक बाइक्स देना चाहा जो पेट्रोल के बिना चल सकते हैं, लेकिन मुझे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वक्त बिताना था और उन्हें एक अनोखा अनुभव देने के लिए हमने उन्हें एक बड़े होटल ले गए। हमारे सब्सक्राइबर्स छोटे गाँव से आने वाले लोग अब बड़े व्यापारियों के साथ स्नूकर खेलने लगे और काफी आनंद भी उठाया और कुछ वक्त के लिए वो बच्चे बन गए। ये किसको दिखा रहे हैं? उनके साथ मैंने उनके चहेते खेल खेले और उनके साथ बैठकर हमने उनके चहेते वीडियोस फिर से देखे। उस सब के बाद उनके सरप्राइज का खुलासा करने का समय आ गया और वो सरप्राइज क्या था उनको बिल्कुल पता नहीं था। तो जब हमने उनकी आंखों की पट्टी निकाली तो उन्हें लगा कि वो खाना खाने जा रहे थे। नहीं, वो नहीं, वो आपका सरप्राइज नहीं है, आपका सरप्राइज आपके पीछे है। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, जैसे कि उनके पर निकल आए हों। अब पेट्रोल उन्हें नहीं रोक सकती, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इन्हें पेट्रोल की जरूरत नहीं है। इस सरप्राइज से वो बहुत भावुक हुए। ये वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मेरा एक प्रेम पत्र है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि उनके प्यार और स्नेह से ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं है। इतना कि अगर कभी मेरा बैंक बैलेंस शून्य भी हो जाए तो परवाह नहीं, पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब मैं चैन की नींद सोऊंगा।